गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हमारा डे थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि आंडू क्या आ गए ना, तो रात को बैठ जाते पे लेट सोते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नासा स्पेस सेंटर, एक होलोकास्ट सेंटर, वो हमें कल जाना था, शायद आज कवर कर लेंगे उसमें कि वर्ल्ड वॉर टू में कैसा अत्याचार हुआ लोगों के साथ। फॉर दैट एक फैमिली आउटिंग करेंगे, यहाँ से जाएंगे गैल्विस्टन करके जो टेक्सास के एंड में एक बीच है। हम लोग वहाँ बहुत पहले भी गए थे, जब मैं फ्लाइंग करता था तो डैलस से जहाज उठा के गए थे, उसमें हमारी फट गई थी भाई, लेकिन आज गाड़ी से और ह्यूस्टन से तो पास पड़ेगा। आर्टिमिस मिशन है नासा का, ऑलमोस्ट नासा सेंटर पहुंच चुके हैं। तो 1969 में अपोलो 11 गया था, तो फर्स्ट मैन लैंडिंग हुई थी मून पे, नील आर्मस्ट्रांग ने लैंड की थी। और उसके बाद और भी मिशन हुए थे, 11, 12, 13 नहीं हुआ था, 14, 15, 16, 17 हुआ था। तो जितने भी लैंडिंग्स हुई थी उसमें से स्मूदेस्ट लैंडिंग वॉज डन बाय नील आर्मस्ट्रांग। और जब वो लैंड किया था ना, नॉट वेरी श्योर ऑन द नंबर, बट ही जस्ट हैड 30 सेकंड्स ऑफ फ्यूल लेफ्ट व्हेन ही लैंडेड। तो आपको ये 30 सेकंड्स ऑफ फ्यूल सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे 30 सेकंड ऑफ फ्यूल। ही हैड मोर फ्यूल ऑब्वियसली, बट वो टर्न बैक फ्यूल था। दिल्ली से आपको बॉम्बे जाके वापस दिल्ली भी आना है, अब चांद पे तो फ्यूल है नहीं, तो चांद से वापस आने का भी फ्यूल आप धरती से लेके जाओगे। तो अगर आप दिल्ली से बॉम्बे 2 घंटे का फ्यूल है, बॉम्बे से वापस आप आ रहे हो फिर 2 घंटे का फ्यूल है। अरे भैया बाद में देखना फ्यूल, ये देखो, ओहो क्या सेक्सी लग रहा है तू, ये एक्चुअल है क्या भाई? हाँ, अंदर जा सकते हो। ओ वाव, दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली का फ्यूल आपको लेके जाना है, सिर्फ 30 सेकंड का फ्यूल बचा। अगर आप बॉम्बे लैंड नहीं कर पाए और आपने वो 30 सेकंड का फ्यूल ईट कर लिया, देन इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन बॉम्बे तो आप दिल्ली वापस नहीं आ पाएंगे। और जैसे वो लैंड करने जा रहा था, एक बहुत बड़ा क्रेटर आ गया था, तो देन ही पुट मोर पावर, थोड़ा सा आगे गया वो, फिर उसने उतार दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। नासा का सबसे बड़ा सेंटर ह्यूस्टन में ही है, अगर आप कोई मूवीज देखते होगे जिसमें वो स्पेस में जाते हैं, बात नहीं करते ह्यूस्टन, ह्यूस्टन दिस इज सो एंड सो। ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल है, और जो ऊपर वाला आपको जहाज दिख रहा है ये जाता था स्पेस में, इसके पीछे इंजन लगे हुए हैं, और जो बोइंग वाला जहाज है ये इसको खाली सपोर्ट करता था। तो ये ऊपर ये वाला जहाज स्पेस में घूमता था, और जब अर्थ में वापस आता था ना, बेटा दिखाया तो है, देख लिखा भी भाई ये पूरा डायग्राम, अगर आप देखोगे पहले जहाज के ऊपर ही लैंड करेगा, जब स्पेस में जाता था फिर अर्थ के एटमोसफेयर को एंटर करता था, इतना फ्रिक्शन होता था ये पूरी जल जाती थी, दिस यूज टू बिकम रेड हॉट, तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन था। और इसमें जब कल्पना चावला भी इसी में गई थी, एंड वी लॉस्ट कल्पना चावला इन वन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसकी एक टाइल शायद निकल आई थी, उसकी वजह से ये पूरा जल के राख हो गया, एंड ऑल द एस्ट्रोनॉट्स वर लाइक बर्नड इन स्पेस। बेटा बड़ा सेक्सी है, ऊपर तक जा सकते हो आप, वहां से देख सकते हो, अंदर भी जा सकते हो। आजा फिर आजा, ये लैंड किया था। हाँ, ये पूरा किया था, लेकिन जब वापस अर्थ आए थे ना तो सिर्फ ऊपर वाला ये पोर्शन आया था। मून पे धरती पे क्या फर्क है, धरती पे अगर सनलाइट पड़ रही है तो स्काई ब्लू देखेगा, आप बता सकते हो कि स्काई ब्लू है, रात को स्काई ब्लैक होगा, लेकिन मून पे ना दिन में भी अगर सनलाइट पड़ रही है तो जमीन पूरी ब्राइट गर्मी, लेकिन स्काई तब भी ब्लैक होगा क्योंकि एटमोसफियर नहीं है, तो वो जो सनलाइट है रिफ्लेक्ट होकर कहीं जा नहीं सकती, इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन जहाँ पे लाइट दिखेगा, मून पे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे टूर मिलेगा अपने को, जो मून लैंडिंग हुई थी वो सिमुलेट करेंगे। नील आर्मस्ट्रांग एयरफोर्स का पायलट था, तो पहले तो उसको ये लैंड करने के लिए पहले हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग दी गई कि भैया वर्टिकल लैंडिंग प्रॉपर, फिर उसको इसमें भी लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन यहाँ क्या है, धरती पे लैंडिंग और मून पे लैंडिंग बहुत डिफरेंट, धरती पे उसने बहुत बार क्रैश किया था, मून पे जाके पहली बार लैंड कर दिया उसने, मून पे खड़ा, ठीक है। अभी ये वापस अर्थ आ रहा है, तो ये जो अपना है ना, ये तो जहाज, ये सरपटंगा जो ये चीज है, लेकिन ये पूरा नहीं आएगा, देख लो जब चंद्रयान गया था ना अपना चक्कर लगा था, चंद्रयान ने भी देखा था कि ये पड़ा हुआ है वहाँ मून पे अभी तक, तो इसलिए कन्फर्म होगा कि मून लैंडिंग हुई थी। जब वो उठा रहे उसका कहना था ना, वो ह्यूस्टन से कंट्रोल हुआ था, ह्यूस्टन सेंटर से। तो इट्स जस्ट दैट कि नॉट एवरीवन बिकम्स हीरो एंड रिमेंबर्ड। नील आर्मस्ट्रांग हो गया, नील आर्मस्ट्रांग के बाद अपोलो 12 में जो गया था उसका नाम किसी को नहीं पता होगा। इट वाज वेरी रिग्रेस ट्रेनिंग, इनकी जो स्पेस की ट्रेनिंग होती है ना स्विमिंग पूल में होती है, ह्यूज 50-50, 100-100 फीट के स्विमिंग पूल होते हैं इनके, तो अंदर वेटलेसनेस होती है, तो दे सिमुलेट दी सिचुएशन की स्पेस में क्या होगी, कह रहा है कि अगर कभी रुकना है तो हेडसेट ऑफ ले लेना। तो हो चुकी है लॉक, डब में चारों लॉकों ने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कई कंट्रीज मिलकर उसको ऑपरेट करती है, सारे पार्ट किसी किसी कंट्री के, इसमें कनाडा है, यूएस है, जर्मनी है, जापान है, चाइना है और फ्रांस है, तो इसमें 6-6 महीना रहते हैं एस्ट्रोनॉट जाके। यार अगर किसी को मून वून जाना हो, यहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च चलती है, यहाँ सीड ले जाके उगाते हैं पेड़, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को देखते हैं स्पेस में, तो इसमें एक्सपेरिमेंट चलते हैं पूरे प्रॉपर, एक तरीके से स्पेस में ये ठिकाना है। करेक्ट करेक्ट, यहाँ
पे सारे एस्ट्रोनॉट्स की डिटेल्स पिक्चर्स हैं जो लोग भी स्पेस में गए हैं। और कल्पना चावला का यहाँ पे है कोलंबिया। STS-87 वाज़ द मिशन नेम। क्या अपोलो 11 यहाँ पे लैंड हुआ था, 16 यहाँ पे, 14, 12 में 13 नहीं हुआ था, 17 तक होते थे। अपोलो 11 वाज़ द फर्स्ट लैंडिंग, अपोलो 17 वाज़ द लास्ट मैन लैंडिंग ऑन मून। अच्छा, उसके बाद मतलब आदमी नहीं उतरे? नहीं, इसका बंद कर दिया। मैंने कहा कि यार ये फालतू पैसा वेस्ट हो रहा है, कुछ अचीव तो करनी है, जो करना था कर लिया। तो आर्टेमिस मिशन साउथ पोल पे जा रहा है बिकॉज दे फाउंड वाटर। जस्ट फिनिश लंच और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैम टूर पे। तो ये ऐसा ट्रैम टूर होता है, इसके लिए रिजर्वेशन करानी पड़ती है। हमने 1:30 बजे कराई थी, हमें 2:30 बजे का नंबर मिला है। लोग अभी आ चुके हैं मिशन कंट्रोल सेंटर जहाँ से पूरा अपोलो 11 मिशन कंट्रोल हुआ था। आंडू कह रहा है कि इसमें खास बात है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स में खिड़कियाँ नहीं है। उसमें भी खिड़की नहीं है, इसमें भी खिड़की नहीं है, ऐसा क्यों आंडू? लेकिन रीजन क्या है? इसी में है यार, खिड़की नहीं है, एसी है अंदर, इसलिए क्या पता यार। CRT है ये, CRT पूरी सेट है अंदर ये। But this was the actual mission control जहाँ से Apollo 11 control हुआ था। Part of a mission monitoring every aspect of the spacecraft, life support, fuel levels, altitude. Roger, thank you for landing. 3,000 feet. Tap alarm. Up to the thing there, looks good. Roger. Okay, the only call outs from now on will be fuel. 30 seconds fuel left. Okay, engine stop. Engine shut down. We copy it down, Eagle. ये ash trays और cigarette butts भी उसी time किए। They have maintained everything as it was on 28 July 1969, the day of landing, moon landing. Phone भी रितु उसी time किया। साफ साफ उसी time करी रितु ये। हम लोग गए थे, पूरा mission control यहाँ था। और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पे हम लोग गए थे वो अपोलो 11 का mission control था। उसके नीचे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका अभी भी मिशन कंट्रोल वहीं पे है। और इस समय करेंटली ISS पे 10 लोग हैं वहाँ पे और नीचे से कंट्रोल होता है। जहाँ हम लोग तो उसके जस्ट नीचे था। हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर। ये जो है दिस इज द स्पेस शटल एयरक्राफ्ट और ये है उसका कैरियर। स्पेस शटल ऑर्बिटर अटैच टू द शटल कैरियर एयरक्राफ्ट। ये बोइंग 747 कैरियर है, ये शटल है। ये है इसके लैंडिंग डोर्स, गियर डोर्स। ये लैंडिंग गियर है, पूरा एयरक्राफ्ट का वेट इस ट्रट पे आता है। एक इधर एक उधर दिया, ये भी तो गियर है। टेक ऑफ करता है ये गियर अंदर, यहाँ खाने में चली जाती है और ये डोर जैसे बंद हो जाते हैं। ये है एयरक्राफ्ट का बीकन। व्हेन द इंजन इज अबाउट टू स्टार्ट दे टर्न दिस ऑन। तो दिस इज एक नीचे तक ऊपर होता है, तो ग्राउंड स्टाफ को ऊपर का दिखेगा नहीं, तो ये ग्राउंड स्टाफ के लिए नीचे वाला आता है। तो यहाँ खड़े होते हैं ग्राउंड स्टाफ, उनको दिख जाता है यहाँ से, ताकि वो इंजन के पास ना जाए वरना अंदर सकिन हो जाए। और इंजन के पास तभी है जब ये लाइट बंद हो जाए। 747 का एक इंजन, चार में से एक। तो ये जो एरिया है यहाँ से एयर बाईपास होती है, ठीक है, और ये मेन एग्जॉस्ट है। यहाँ से हाई कंप्रेस हॉट एयर निकलती है जो कि एयरक्राफ्ट को प्रोपल्शन देती है। अभी आजकल के इंजन में ये बाईपास बड़ा कर दिया गया, तो यूल सी थे कि ये इंजन है ना, ये इंजन अभी थोड़ा पतला है, बट आजकल यही इंजन बड़े हो गए। बट उसमें क्या कर दिया है, अंदर का सर्कल है ये मेन कोर इंजन का, और ये जो बाहर का एरिया ये वाला ये बाईपास है। तो बाईपास एरिया को आजकल बड़ा कर दिया गया, तो उससे इंजन का साइज बड़ा हो गया। लेकिन इंजन से बिकम मोर एफिशिएंट, क्योंकि बाईपास जितना ज्यादा होगा उतना इंजन होंगे, फ्यूल एफिशिएंट होंगे, बट हाँ लेकिन साइज थोड़ा बड़ा होता है। सो इट्स अ गुड कॉम्प्रोमाइज, मतलब दिस वर्सेस दैट। हां द कंप्रेसर, टरबाइन, एंड ऑफ कोर्स याद है, टू स्टेज ऑफ कोर्स याद है, वेरी गुड। बस ये याद नहीं था कि ग्रैंड कैनन का एफव्यू अच्छा नहीं है, बाकी सब याद था। तो ये है एयरक्राफ्ट के स्टैटिक पोर्ट्स। इसमें से बेसिकली आप ऑल्टीमीटर की हाइट नाप सकते हैं, बहुत चीजें नापते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये अगर जैम हो जाए तो फट जाती है। है पीटो पोर्ट्स, ये जो नोक निकली हुई है ना, सो पीटो और स्टैटिक। तो पीटो स्टैटिक सिस्टम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, और ये हर जहाज में होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे ही होता है। अगर ये क्लॉग हो गया, इस पे आइसिंग हो गई या सैंड लग गया, कुछ हो गया, तो आपके इंस्ट्रूमेंट जाए। तो एयरक्राफ्ट स्पीड कैसे नापता है, तो ये पीटो ट्यूब है। तो जब एयर आती है तो एयर का प्रेशर नापता है ये, ठीक है। तो मान लो एयर का प्रेशर एक्स है और ये स्टैटिक, तो स्टैटिक प्रेशर नाप तो मान लो ये y है, तो x माइनस y इज योर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। सेंटीमीटर बने का घूम रही है, 50 तोला का घूम रही पहने में। रियल दिला दे, नकली नहीं पहनने की जरूरत पड़ेगी। अरे मुझे लगा रियल था भाई। ओ तो रियल कब दिला दिया तूने मेरे को? इतना पैसा कमा रहा हूं, बीवी ने ले लिया होगा, तिजोरी से पीछे से निकाल लिया होगा। नहीं निकाला, वेरी गुड, यू आर वेरी ऑनेस्ट भाई, आई लाइक इट। है पुराना एनालॉग कॉकपिट। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग, इसमें देखो कि सारी अलग अलग स्क्रीन्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, जैसे कार की स्पीड ऐसे होती है। आजकल कार में कैसे लिखा आता है 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, एक होता है इसमें नीडल होती है। तो पुराने एयरक्राफ्ट में सब में नीडल थी। हम लोग अभी जो फ्लाई करते हैं उसमें किसी में नीडल्स नहीं है, सब अपग्रेड हो चुके हैं। एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन एंड नंबर्स।
on top of a 747 to move it across the country. तो ये इंटरनल बनाया हुआ है, कितना सही लगता है। स्पेस वॉक कर रहा है एस्ट्रोनॉट के ऊपर, ये देख, ये इसकी टटर है, ये बना हुआ यहाँ से और स्पेस वॉक कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। ये तो बंधे रहते हैं ना? हाँ, बंधे रहते हैं तार से। हाँ, लेकिन फिर भी वो उनके पास स्पेस पैक होता है, अगर टूट जाए तो दे कैन स्टिल कम बैक। ये मॉड्यूल है जो अर्थ पे, सारा मिशन होने के बाद अर्थ पे लैंड जब करता है ना, सी में आता है, तो सिर्फ इतना ही स्पेस आता है, तीनों एस्ट्रोनॉट इसी में से बैठे रहते हैं। और अर्थ पे आने के बाद उनको 15 से 18 दिन के लिए क्वारंटीन किया था, क्योंकि पहली बार जब आए थे दे वर नॉट श्योर कि वो मून से क्या बीमारी ले आए, कुछ कीटाणु ले आए, तो इसलिए। 5 गोइंग टू द मून। तो सबसे सही चीज है कि यहाँ पे लूनर सैंपल है, मून की रॉक्स है यहाँ पे, ये देख, ये मून से जो मिट्टी आई थी ना उसको स्टडी कर रहा है, लूनर सैंपल टू अर्थ। So this is where all the astronauts live inside the space station. Wow. NASA Houston Center is done. Now we are going to the Galveston Beach, which according to Andu is the very best beach of United States of America. Insta में गाली देंगे मुझे लोग। नहीं भाई, नहीं देगा कोई गाली। इतना expectations raise कर रहा है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं Galveston. Wow. हम लोग अभी आ चुके हैं Galveston Beach. We have got ourselves coffee. आंटो भी गाड़ी में पी रहे हैं और यहाँ पे बस सनसेट देखेंगे, कॉफी पियेंगे और एंजॉय। ये देखो, किसी की आई लैशेज उतर गई। आई लैशेज कैसे चल सकती है किसी की? मतलब आई तो होगी, कोई बिल्कुल हीरोइन बन के जुम्मे पति देखता हुआ मैं, ये क्या टेस्ट कर रहे हो पानी यहाँ का, कम नमकीन है क्या? मुझे लगता है इंडिया का ज्यादा नमकीन है, क्योंकि इंडिया में लोग सुसू करके आते हैं। हाय में असली में अच्छा नहीं होता। नहीं नहीं, सी वाटर अच्छा नहीं होता पीने के लिए मोटे। फॉर द सेक ऑफ साइंस समबडी हैज टू डू इट यार। बेटा पक मोटे गंदे। अरे बहुत लोगों ने मुता है इसमें यार। बहुत चाहिए इंडिया से यार, नमकीन है यार। Did a quick comparison. This is iPhone 14 Pro. This is iPhone 13 Pro Max. तो total ही है। तो इसमें dynamic range ज़्यादा है, क्योंकि इस area में light ज़्यादा दिखा रहा है। और इस area में अगर आप ये wave देखेंगे ना, ये वाली wave देखो। Look at this area and look at this area. तो contrast ज़्यादा रहता है। And look at this area. This area seems to be the most beautiful area. जब भी tourist place पे आते हैं, family photo लेनी हो, कुछ लेना हो, तो हम लोग बोलते हैं किसी को कि photo ले लो, photo ले लो। और वो बंदा जो photo लेता है हमेशा कहता है, I've taken couple of them. Please check. आप check करते हो? Yeah, yeah. Thank you. कभी नहीं बोल सकता मैं क्या घटिया लिया है, कभी बोलता किसी को। लेकिन सारे घटिया ही लेते हैं, सारे घटिया लेते हैं। आज मेरे ब्लॉग में सुन लो तुम लोग, जो भी लेता है तुम सब घटिया लेते हो। अब हमारी फोटो कोई नहीं लेगा, हमें सेल्फी पे भरोसा रखना चाहिए अब। तो रितु ने मंगाया है एग रोल विद एवोकाडो, मेरा है श्रिम्प विद पास्ता, इसका है चिकन विद स्पाइसी कैशू चिकन। डेजर्ट ऑर्डर कर रहे थे तो रितु ने कहा था कि वो नहीं खाएगी, अब आ चुकी है तो उसका मन ललचा रहा है। जब आएगी तो खाएंगे यार। मिलेगी।